भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी ट्रेनिंग से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। शमी ने वनडे वर्ल्ड कप के बाद से खेल नहीं रहा था, लेकिन अब उन्होंने गेंदबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया है। इस वीडियो पर फैंस ने उनकी वापसी की उम्मीद जताई है। ओमान के गेंदबाज बिलाल खान ने वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 10 ओवर में 3 विकेट झटके लेकर 50 रन दिए। यह उपलब्धि पहले पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और भारत के जसप्रीत बुमराह के नाम थी। श्रीलंकाई टीम के पेसर असिथा फर्नांडो को भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए दुश्मंत चमीरा का रिप्लेसमेंट बनाया गया है। चमीरा को चोटिल होने की वजह से वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। फर्नांडो ने T20 और वनडे मैचों में पहले से ही अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा ने बताया कि गौतम गंभीर की अगुवाई में खेलना युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। वह बताएं कि गंभीर आगे की सोच को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। इसके साथ ही उथप्पा ने सूर्य कुमार यादव के कप्तान बनने का प्रभाव और हार्दिक पंड्या के वनडे में स्थान नहीं मिलने के बारे में भी बात की। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप ने बैजबॉल क्रिकेट से पीछे हटने को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी टीम टेस्ट क्रिकेट में एक दिन के अंदर 600 रन बना सकती है। इंग्लैंड के नाम पहले से ही टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। ऑफ स्पिनर एवा ली ने साउदर्न वाइपर्स अकादमी के खिलाफ महिला क्रिकेट में 9 विकेट लिए, सिर्फ 2 रन खर्च किए। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोजमेरी वाइट के नाम था, जिन्होंने 1962 में 10 विकेट लिए बिना रन दिए थे। एवा ली ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। महिला एशिया कप 2024 के सभी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों की तस्वीर साफ हो गई है। भारत बनाम बांग्लादेश सेमीफाइनल दोपहर 2 बजे से होगा, जबकि पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मुकाबला शाम 7 बजे से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल रविवार 28 जुलाई को खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से पहले तेज गेंदबाज दुश्मंथा चमीरा दोनों सीरीज से बाहर हो गए हैं। चमीरा भारत के खिलाफ T20 में श्रीलंका के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इससे श्रीलंका को उनकी कमी खलेगी।